आखिरी वक्त पे गड़बड़ हो रही थी लास्ट कुछ टूर्नामेंट में, लेकिन हम कंसिस्टेंटली उधर नॉक कर रहे थे। क्या अच्छेपन पे विश्वास रखना मुश्किल हो रहा था और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना जरूरी है, चाहे आप हो, टीम हो, राहुल द्रविड़ हो, क्या ये जरूरी है राहुल? जरूरी तो है। अब मैं बिलीव करता हूँ कि जो लिखा है वो होने वाला है। आई थिंक ये लिखा था, बट ऑब्वियसली तुमको पता नहीं है मैच के पहले कि ये लिखा है। यही तो खेल है, यही गेम है। नहीं तो हम लोग आराम से आते, चलो लिखा हुआ है जीतने वाले। बट जो आई थिंक यू नो एवरीथिंग हैज़ टू फॉल इन प्लेस। अभी जैसे आपने देखा कि हम बहुत पीछे थे गेम के, एक टाइम पे लग रहा था आसानी से जीत जाएंगे वो लोग। विकेट भी अच्छा चल रहा था, उनकी बैटिंग अच्छे से हो रही थी। हमारे बॉलर्स जो मुझे ऑप्शंस जो भी यूज़ करने थे, बुमराह का ओवर 18वें ओवर में ख़त्म हो गया था। तो ये सब चीज़ ज़रूरी था प्लान में फिट होना। और जैसे आपने बोला कि अच्छे लोग के साथ अच्छा होता है, आई मीन आपने बोल दिया मतलब मैं अच्छा हूँ। तो राहुल भाई भी नहीं नहीं अच्छा है। देखो हम लोग काफ़ी, राहुल भाई के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ यार। उन्होंने इतना इंडियन क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है जब खेलते थे और अभी भी कोचिंग जब कर रहे हैं। पिछले 3 साल उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है इस टीम के साथ। उनके जो इंस्टिंक्ट्स है उनको काफ़ी बार दबाने पड़े, क्योंकि लड़कों का जो वेवलेंथ है वो मैच करना इतना आसान नहीं है। तो राहुल भाई ने अपने आप को दबाया, समझा कि लड़कों को क्या चाहिए, वो प्रायोरिटी आगे डाली। तो ये सब चीज़ करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता है। राहुल भाई ने वो चीज़ किया, पूरे टीम के लिए वो किया। उन्होंने समझा कि लड़कों को क्या ज़रूरत है, लड़कों को क्या देना ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली काम हम ही लोगों को करना है। राहुल भाई तो बैटिंग नहीं कर रहे, तो राहुल भाई का ये साथ देना टीम के लिए बहुत ज़रूरी था। और जैसे मैंने बोला कि उन्होंने इतने साल, 3 साल एज अ कोच टीम के साथ इतना मेहनत किया है, लड़कों को इतना क्लियर रखा है कि आपका रोल क्या है, आपको क्या करना है। जो लड़के नहीं भी है इस टीम में, जो घर में भी है, उनके साथ भी लगातार बात करते रहना, उनको बताते रहना कि क्या हो रहा है टीम में, कब क्या बातचीत हो रही है, तुम कब टीम में आ सकते हो, अगर आओगे तो तुम्हारा क्या रोल होगा। ये सब चीज़ राहुल भाई इतने स्टूडियस तो है ही, तो उन्होंने ये चीज़ पे सबसे पहले ये चीज़ पे ध्यान दिया था जब वो आए थे, कि हमको लड़कों को बताना है कि उनसे हम क्या चाहते हैं। क्योंकि 11 के 11 लोग फोर्स है और वो फोर्स अगर एक साथ मिलके खेलेंगे तो एक बड़ा फोर्स बन सकता है। तो राहुल भाई ने उस चीज़ में काफ़ी साथ दिया मेरा भी और टीम को भी काफ़ी सपोर्ट किया। Rohit, hi. Firstly, congratulations. I wanted to ask you about Virat Kohli announcing his retirement today. How do you look back at his journey? You've shared some of the most ups and downs with him, your moments with him. Just how do you look back at all of it? Look, he's been a champion player without a doubt. And we all know, you know, what he has done for us. And you know, at some point, everyone has to say goodbye to the game. And you know, Virat obviously was very clear that this is what he wanted to do, and he was very clear before the start of the tournament as well. And I'm very happy for him. That he batted like he did in the finals. I know, you know, the quality that he has. You know, the big games and all of that. He's going to come good. And when we wanted him the most, he came out and performed the way he did. So, very happy looking at his career. Obviously, he's been a champion player. We know, we can see the stats and everything there. Yeah, Rohit, just that catch of Surya, like if you can just go through the emotions of him taking that catch and that weight. And do you think kind of this catch is on a par with Kapil's 83 catches? अरे नहीं यार, जो अच्छा है अभी वो 83 में इतना अच्छा हुआ है तो उसको रखो ना उधर ही। बहुत बढ़िया कैच था वो। ये भी अपना कैच है। इन द हाइंडसाइड इफ यू लुक एट इट, एवरी मोमेंट दैट हैपेंस इट हैज इज ओन चार्म, ओन वे, यू नो। सो आई डोंट लाइक टू कंपेयर इट, आई एम नॉट अ बिग कंपैरिजन फैन।
But yeah, I was standing at long off, so I could clearly see Surya there, and he is very calm under pressure. He's got brilliant hands. And the moment he took that catch, I knew that he is inside. I was very calm. You could see I was celebrating already. But still, until the scoreboard says out, it's not out yet. So, I knew that it was an out, and I started already thinking about the other five balls that we have to bowl to the other batters. And Rohit, on your own international career, do you think you will be there for a while longer? How do you see yourself? No, this was my last game as well. Honestly, I have enjoyed since the time I started playing this format, and nothing better time to say goodbye to this format. I have loved every moment of this. I started my India career playing this format, and this is what I wanted. I wanted to win the cup and say thank you.